próximo campo. एकदम हिंदू कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने अपने चेतों को लगाया है। अब उस टाइम से हमारा पूरा विश्वास उठ गया। अभी हमारे नव निर्वाचित विधायक जी हैं, हम उनके पास भी नहीं गए क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अगर इस पत्रकार भाइयों के माध्यम से अगर उन तक मेरी बात पहुंचे तो हो सकता हो कुछ अपने स्तर से कार्रवाई करें, क्योंकि हमारा विश्वास उठ चुका है। एनडी तिवारी सरकार में हमारे साथ के जो है 6 दिन तिहाड़ जेल में रहने के बाद और 1 दिन पुलिस हिरासत में रहने के बाद उनको तो नियुक्ति दे दी गई, और हमारे साथ जो है भाई भतीजावाद हुआ है। हमारा कोई जान पहचान का नेता नहीं था, उनका मुख्यमंत्री उनका था, विधायक उनके थे, उनका काम हो गया। कई चक्कर काटने के बाद, कई पैसे खर्च करने के बाद हमें गुमराह किया गया, इसलिए हम चुप बैठ गए। आज की डेट में ये स्थिति आ गई कि हमें बर्तन धोने पर मजबूर हो गया। हम साहब कम से कम 4-5 महीने जो है जंतर मंतर पे रहे आंदोलन में, चार पाँच साल हमारा रहना वही था। वो तो अच्छा हो, वहाँ पर गुरुद्वारा रहा, हम खाना पीना वहाँ खाते थे, चाहे सवेरे का हो, दिन का हो, रात का हो। कई बार हमारी गिरफ्तारियाँ हुई, लेकिन जब हमें दिल जाने की नौबत आई, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से हम बंद हुए थे। उसके बाद हमें किदवई नगर जेल में रखा गया, स्थानीय जेल में रखा गया ना, किदवई नगर में। एक बार हम यहाँ अनशन पे बैठे, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि सरकार भी ऐसी थी। और हमें अब पूरा विश्वास उठ गया, अब हो सकता है भाई बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, कुछ हमारे बारे में सोचे। हमें सिर्फ 3100 रुपये पेंशन में लुभाया गया है, जबकि हमारे साथ जो घायल थे, चाहे उनको चोट दौड़ने के दौरान आई हो, उनको 5000 रुपये पेंशन मिली है, हमें 3100 रुपये समेट दिया गया है। बाकी कोई कार्रवाई नहीं है और हम किसी के पास जाना भी नहीं चाहते हैं। अभी नौकरियों के लेके मैंने बहुत आवेदन किए हैं, शिक्षा विभाग में किया है चतुर्थ श्रेणी में, और राजस्व विभाग में किया है चतुर्थ श्रेणी में, पर लेकिन उस टाइम की सरकार पैसे कमाने के लिए बेरोजगारों को इतनी वैकेंसी खुल गई, 10% आरक्षण है, इतने पैसे खर्च हो गए, गवर्नमेंट के खाते में चले गए। उसके बाद जो है जब ये क्या कहते हैं उसका साक्षात्कार होने के बाद वहाँ गए, ऑफिस में गए, तो वहाँ लिखा हुआ मिला कि अपरिहार्य कारणों से ये विज्ञप्ति स्थगित कर दी जाती है। उसके बाद हमें कुछ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए, जैसे आपके द्वारा ये संज्ञान में लाया गया है, तो राज्य आंदोलनकारियों के अधिकतम प्रकरण हमारे जनपद से लगभग निस्तारित थे, उसमें से कुछ प्रकरण ऐसे हैं जिनमें कि पेंशन वाले मामले हैं, लेकिन जैसे आपके द्वारा बताया गया कि उसमें नौकरी का मामला है और उनके द्वारा लगभग 7 दिन तक वो जेल में भी रहे थे और उनको आंदोलनकारी पेंशन प्राप्त हो रही है, लेकिन नौकरी की कैटेगरी में आने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिली है, तो हम लोग इस मामले को दिखवाएंगे, मैं इसमें जांच करवाता हूं, और अगर पाया जाता है कि उसमें कुछ कार्यवाही हो सकती है तो निश्चित रूप से उसमें शासन को कार्यवाही के लिए लिखा जाए।